हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बिल्कुल आसान विधि में आमचूर पाउडर या ड्राई मैंगो पाउडर बिल्कुल मार्केट जैसा बना के तैयार करेंगे, वो भी कम मेहनत और सस्ते आम से। इसके लिए यहाँ मैंने कच्चे आम लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो कच्चा आम लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आप साल भर के लिए भी बना के इसे स्टोर कर सकते हैं। और अब हम कच्चे आम को इस तरीके से पानी में डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाथों से इस तरह मिलाते हुए अच्छे से धो लेंगे या वॉश कर लेंगे, जिससे इस पर लगा धूल और मिट्टी अच्छे से धुल जाएगा और आम हमारा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आम हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब हम एक इस तरीके का छन्नी लेंगे और इसके ऊपर आम रखेंगे। और आप देख सकते हैं आम को रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गए और आम का एक्स्ट्रा पानी सूख गया है। और अब हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ से आम के ऊपर वाले भाग को इस तरीके से काट करके अलग कर लेंगे और एक पीलर से अच्छे से आम के छिलके को पील कर लेंगे या हम छील लेंगे, जिससे आम का छिलका ईजिली निकल जाएगा या रिमूव हो जाएगा। और आमचूर पाउडर बनाने के लिए हमारा आम बिल्कुल परफेक्ट क्लीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आम को अच्छी तरीके से घुमाते हुए अच्छे से पील कर लिया है और इसके वाइट वाले पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और आप देख सकते हैं आम हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और सेम तरीके से हम सारे आम को छील लेंगे। आमचूर पाउडर बनाने के लिए यहाँ मैंने खट्टे आम का यूज़ किया है। आप भी आमचूर पाउडर बनाने के लिए खट्टे वाले ही आम लें। और अब हम आम को इस तरीके से चिप्स कटर से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है और आम हमारा बिल्कुल ही पतला और बारीक कट कर निकला है। इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में अगर आप आम कट करेंगे तो 1 से 2 दिन में आपके सारे आम बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। और आप देख सकते हैं आम के पतले पतले स्लाइसेस कट के तैयार हो गए हैं। सेम तरीके से हम सारे आम के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे, जिससे आम हमारा ईजिली जल्दी सूखेगा और आमचूर पाउडर हमारा बहुत ही बढ़िया और बारीक बन के तैयार होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे आम को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब बचे हुए गुठली पे लगे हुए आम को हम चाकू से इस तरीके से कट कर लेंगे। हम इसे भी पतले पतले स्लाइसेस में ही कट करेंगे, जिससे ये इजीली एक जैसा धूप में सूखेगा। नहीं तो कुछ मोटे और कुछ पतले होंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा सूखने में। और आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ मैंने सारे गुठलियों से भी आम के पल्प को कट करके अलग कर लिया है। गर्मियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में बाज़ार में बहुत ही अच्छे खट्टे और सस्ते आम आ रहे हैं, तो आप क्यों ना इसका इस तरीके से आमचूर पाउडर बना के रख लें। आमचूर पाउडर हमारा किचन का बहुत ही यूज़फुल इंग्रेडिएंट है। मार्केट में ये बहुत ही महंगा बिकता है, तो आप इस तरीके से सस्ते आम से घर पे ही बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आम को अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया है। और अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें पानी डालेंगे। यहाँ मैंने आधा पतीला पानी लिया है। पानी में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लिया है। पानी ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। और अब हम इसमें 1 चम्मच भर के सफ़ेद नमक डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे नमक पानी में घुल जाएगा। और अब हम इसमें आम के कटे हुए पतले पतले स्लाइसेस डालेंगे और पतले स्लाइसेस डाल करके इस तरीके से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से मिला देंगे और छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं 1 मिनट हो गया है। आम के स्लाइस को हम नमक वाले पानी में अच्छे से धो लेंगे या वॉश कर लेंगे, जिससे आम के सारे जो स्टार्च है वो धुल जाएंगे और आम हमारा बिल्कुल भी सुखाने के बाद काला नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल ही सफ़ेद रहेगा, जिससे आमचूर पाउडर हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनके तैयार होगा। और अब हम एक इस तरीके का छन्नी लेंगे और आम के चिप्स को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, जिससे आम के स्लाइस में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। आम के चिप्स को हम इस तरीके से छन्नी में डालकर इसे
आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और छन जाएगा। और आप देख सकते हैं आम के पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। हम इसे अच्छे से फैला देंगे हाथों से, जिससे पानी बिल्कुल भी नहीं टिकेगा और ये सारे पानी छन जाएगा, और आप देख सकते हैं। और चलिए अब हम इसे सुखाने के लिए एक इस तरीके का प्लास्टिक सीट लेंगे। इस तरीके का आटे का प्लास्टिक का सीट लिया है मैंने, और इसे मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। और अब हम इस शीट के ऊपर एक एक करके चिप्स को डालेंगे। हम इसे अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे, जिससे आम के स्लाइसेस या चिप्स के ऊपर धूप बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल एक जैसा पड़े, जिससे आमचूर पाउडर बनाने के लिए आम के स्लाइसेस हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। हम इसे इस तरीके से फैला करके सुबह से शाम तक के लिए कड़क धूप में रखेंगे, जिससे ये इजीली अच्छे से सूख जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे शेड के ऊपर सूखने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, आम को मैंने 2 दिन कड़कते धूप में अच्छे से धूप दिखाया, और आप देख सकते हैं आम हमारा बहुत अच्छे से सूख गया है और ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। हमने जो इसे नमक पानी से वॉश किया था, इसलिए ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। और चलिए अब हम इसे ग्राइंड करने के लिए एक इस तरीके का ग्राइंडिंग जार लेंगे, और इसमें सूखे हुए आम के चिप्स या स्लाइस को डालेंगे। यहाँ मैंने सारे सूखे हुए आम को एक बार में जार में डालेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे सूखे हुए आम को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। और अब हम इसे जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे बिल्कुल ही बारीक या महीन पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है, और बहुत ही अच्छा बारीक हमारा आमचूर पाउडर बनके तैयार हुआ है। लेकिन अभी हम इसे और बारीक बनाने के लिए एक इस तरीके का छन्नी लेंगे, और इसे थाली पे रख करके इसमें सारे के सारे ग्राइंड किए हुए हम आमचूर डालेंगे, और आमचूर डालकर हम इसे अच्छे से छान लेंगे, जिससे आमचूर पाउडर हमारा बिल्कुल बारीक बनके तैयार हो जाएगा। और बचे हुए वेस्टेज का हम फिर से ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए फिर से अच्छे से ग्राइंड करके छान लेंगे। और आप देख सकते हैं मार्केट स्टाइल हमारा आमचूर पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, आप इसे फ्रिज में रखें, बिल्कुल भी ये साल भर ख़राब नहीं होगा। और आप देख सकते हैं ईज़िली हमारा आमचूर पाउडर मार्केट स्टाइल बनके तैयार हो गया। आप इससे चटनी, सब्जी या खाने को चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ में इसका यूज़ करें, ये बहुत ही टेस्टी खाने को बना देता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और